ये परिवार डॉक्टर आस्था का है जो उनकी मौत से परेशान है। शनिवार रात को ही आस्था की बात अपने पिता से हुई थी और उसने रविवार को आने का वायदा भी किया था। बात करते वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल परेशान नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में उन्हें महाराज अग्रसेन अस्पताल के प्रशासन पर यकीन नहीं हो रहा, जो कह रहा है कि आस्था ने खुद को इंजेक्शन लगाकर खुदकुशी कर ली। क्योंकि रीजन क्या है कि उसकी 1.5 साल पहले शादी हुई थी और वो इतनी खुश थी और कल रात को मेरे से बात हुई है 9:30 बजे और उसने ये बोला कि कल शाम को मैं 5 और 6 बजे आपसे मिलने आऊँगी। इनफैक्ट हमने CCTV फुटेज वगैरह भी देखा है तो 12:30 बजे वो अपने रूम में एंटर कर रही है और हंसती हुई एंटर कर रही है और वहाँ के जितने भी पेशेंट्स हैं उन सब ने ये कहा कि वो इतनी अच्छी थी और 11:30 बजे हमसे मिल के गई है और हम लोगों को अटेंड करके गई है। उसके बाद वो अपने रूम में गई है, पता नहीं क्या हुआ क्या वो था, लेकिन हमारा जो पूरा शक है वो हॉस्पिटल पे है। परिवार के मुताबिक 1.5 साल पहले ही आस्था की शादी हुई थी। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से काफी खुश थी। परिवार के मुताबिक आस्था अस्पताल में होने वाले गलत कामों पर अक्सर सवाल उठाया करती थी, जिसकी वजह से अस्पताल प्रशासन ने ही उसे मौत के घाट उतार डाला। हॉस्पिटल बहुत अनप्रोफेशनली और अनएथिकल चलता रहा है और वो उसकी शुरू से कंप्लेंट थी, उसने कभी भी हॉस्पिटल को पसंद नहीं किया। लेकिन क्योंकि वो कोर्स कर रही थी जो कि 2 साल का कोर्स था, तो वो उसकी मजबूरी थी वहाँ पे कोर्स करना कि वो हायर डिग्री के लिए वो कर रही थी, तो उसने ये ज़रूर बताया था कि वहाँ पे बहुत अनप्रोफेशनली और अनएथिकल तरीके से काम होता है और वो किसी से दबने वाली नहीं थी। वो कई जगह उसने 2-3-4 जगह ये कहा भी कि ये ऐसे मत करो, ऐसे आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ज़बरदस्ती वेंटिलेटर लगा देना, ये कर देना, क्योंकि वो क्रिटिकल केयर में थी। पुलिस को मौका वारदात से जो है आस्था मुंजाल का जो सेलफोन है वो मिला है, एक बैग मिला है और एक सिरिंज जो है वो बरामद हुआ है। अस्पताल का ये कहना है कि आस्था मुंजाल ने खुदकुशी किया है, खुद को ही उन्होंने इंजेक्ट किया है जिसके बाद उनकी मौत हुई है। वहीं दूसरी तरफ परिवार वालों को इस पूरे मामले में किसी साजिश की बू आ रही है, वो तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि CCTV कैमरे की फुटेज को खंगाला जा रहा है। आस्था की मौत से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब परिवार अस्पताल प्रशासन से अब मांग रहा है, लेकिन अभी तक अस्पताल की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक उन्हें 5:50 पर महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आस्था की मौत की सूचना मिली थी। आस्था की लाश के पास से एक सिरिंज भी पड़ी हुई थी, उसका मोबाइल और बैग पास में ही पड़ा हुआ था। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, खुशी-खुशी गई है और जाने से पहले भी अपने मोबाइल का फ़ोन था उसके कवर लेने के लिए हॉस्पिटल के साथ गई है अपने, तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उसके बाद भी रात को 11 बजे भी अपने पेरेंट्स से बात करी है और हस्बैंड से ही बात हुई है, सिस्टर से ही बात हुई है, सबसे बात हुई है, कोई नॉर्मल थी सब कुछ, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस एकदम वहाँ जाके फिर क्या हुआ अभी निवन। आस्था की मौत की असली वजह क्या है, इस बात का पता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लगेगा। इस मामले में अस्पताल की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और जल्द ही परिवार और अस्पताल प्रशासन के बयान दर्ज किए जाएंगे।